हाय दोस्तों, मैं गणेश सालुंके फिनिक्स सीएनसी के लिए यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको सीएनसी टर्निंग राउंड पार्ट के ऊपर आईडी का बोरिंग ऑपरेशन, आईडी चैम्पर, सिंपल सिंपल मैनुअल बोरिंग प्रोग्राम और साइकिल प्रोग्राम बोरिंग और कैनेट साइकिल प्रोग्राम, ऐसे तीन प्रकार में बोरिंग, सिंपल बोरिंग और चैम्पर कैसे मारा जाता है आईडी में, उसका प्रोग्राम बना के आपको दिखाने वाला हूँ। तो पूरी तरह से हमारा वीडियो देखिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो दोस्तों आज का स्टार्ट करते हैं। आईडी बोरिंग मतलब इंटरनल डायमीटर के ऊपर हमको बोर बनाने का है। बोर माने जो अलग अलग स्टेप द्वारा जो बनाया जाता है उसको बोरिंग कहा जाता है टोटली। तो अभी मैंने क्या किया, एक पूरा ठोकला भरी हुई एक जॉब लिया हमने सॉलिड, 80 डायमीटर है इसका और लंबाई 50 है। उसमें से हमको आईडी 35 करना है और कॉर्नर को 1.5 mm का चैम्पर मारना है 45 डिग्री से। तो अभी ये कैसे हो जाएगा, पूरा सॉलिड मटेरियल है तो आपको पहले N1 जो है हमारा N1 ये ड्रिल का रहेगा, ध्यान रखिए ये ड्रिल हम ड्रिलिंग करने वाले, ड्रिलिंग डायमीटर हमारा वो 30 हम मारने वाले, 30 का ड्रिल mm ये करने वाले, ये पहले N1 में वो ड्रिल के मारेंगे टोटल। फिर हमने क्या किया, N2 में हम बोरिंग करेंगे, फिनिश बोरिंग रफ और फिनिश, रफ एंड फिनिश। तो बोरिंग बार हम लेंगे 30 का, ये किया है तो हम 25 का बोरिंग बार ले रहे हैं, 25 mm का, ध्यान रखिए 30 का वो होल हुआ है तो 25 का बोरिंग बार बैठेगा टोटल। तो हमने 25 बोरिंग बार से ये 35 करना है और ये चैम्पर मार के मैं आपको दिखाने वाला हूँ टोटल। तो पहले क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ये N2 मतलब ये हमारा क्या रहेगा, 25 डायमीटर का ये बोरिंग बार रहेगा ना, बोरिंग बार। तो ये बोरिंग बार से हम अभी ये बोर करने वाले हैं रफ, फिर बन जाएगा ना ड्रिल मारने से टोटल। तो अभी इसमें टूल नंबर मेरा वो 3 है और ऑफसेट नंबर भी 3 है। इसमें मैं आरपीएम दे रहा हूँ S50 800 दे रहा हूँ और G96 में S250 दे रहा हूँ और M3 ये डायरेक्शन दे रहा हूँ टोटल। ये डायरेक्शन हो गया, फिर अभी मुझे क्या करना है, समझो मैं पहले आपको G90 मतलब अभी क्या करने वाला हूँ, पहले पोजीशन पे लेने वाला हूँ G0। मेरा कितने का होल बना है ड्रिल से, 30 का बना है। तो मैं क्या करूंगा, 30 को बाहर रखूंगा और Z बाहर 2 mm रखूंगा और इधर M7 मतलब ये मैं कूलेंट ऑन किया है टोटली। तो ये M30 मतलब मैं क्या करूंगा, M29 को मैं आके रुक गया है टोटल इधर और बाहर रुक गया, ये दोनों सेप रुक गए ना टोटल, यहाँ से नजदीक आ गए, 30 का तो बना हुआ है ना टोटल होल। तो अभी हमको 35 बनाने का, 35 बनाते वक्त हमको ये तो ये 30 डायमीटर हमने ड्रिल मारा है, ड्रिल के ऊपर बनाया हुआ ये 30 है। तो 30 डायमीटर से हमको 35 बनाने का टोटल। तो उसके लिए मैंने ये सेप रखा है, हम मतलब इधर रुके हैं टोटल, Z2 बाहर और X30 के वो नीचे थोड़ा 29 और कूलेंट ऑन किया है। अभी रफ करना है, रफ के लिए हम G1 G0 G1 यूज करने वाले, G1 और G0 ये कोड द्वारा हम रफ यूज करते हैं और यू और एक्स, यू एक्स जेड और डब्ल्यू, ये ऐसे डब्ल्यू का कुछ संबंध नहीं है, ऐसे तीन लेटर हम यूज करने वाले। तो पहला हमारा कट लेने वाला है 0.8 mm का, हमारा इंसर्ट रेडियस है, इंसर्ट रेडियस है। तो उसके लिए हमको 2-2 mm का कट लेंगे हम इंसर्ट रेडियस वैल्यू है, तो इसके लिए 2-2 mm हम ले सकते हैं। तो 29 में हमारा 30 है, 30 में 2 ऐड करेंगे तो 32, तो हम एक्स अभी 32 mm देंगे, ये 32 mm हमारा पहला कट रहेगा टोटल। तो 32 माने इधर से ये ऊपर गया, ये ऐसा एक्स शिफ्ट हुआ ना, सिर्फ हमने रैपिड में लिया है क्यों, बाहर है बोल के। फिर अभी G1 हमको जाना है, जेड माइनस कितना देना है हमको, जेड माइनस इधर से 50 है मतलब 2 mm थोड़ा बाहर, इधर एक्यूरेट आएंगे तो बर रहेगी ना, तो उसके लिए थोड़ा बाहर। तो एक्स 52.0, जेड माइनस 52.0 और फीड हम दे रहे 0.125, ये रफ कट है ध्यान रखिए। फिर वापस
क्या हो गए, कट लेके ऐसा गए टोटल इधर तक 52 तक आ गए, फिर हमको नीचे लाना है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यू माइनस वन देना है टोटल, ध्यान रखिए यू माइनस वन और जेड वन देने का कभी भी, कि एक्स माने इधर से ये डायमीटर से 1 mm शिफ्ट हो गया नीचे, एक 2 mm शिफ्ट हो गया, मतलब 30 डायमीटर को शिफ्ट हो गया ये। U माइनस वन मतलब एक और एक 2 mm शिफ्ट होगा ना, और जेड मतलब जेड जीरो फेस पे है तो बाहर है, तो ये टेपर ऐसा इधर से क्या होगा, ये ऐसा टेपर जाएगा टोटल इधर, वापस इधर आ गया जेड वन। फिर वापस हमको क्या करना है, 2 mm ऐड करना है, 32 में 34 रहेगा टोटल, 34 वाला मतलब इधर से ये 34 को गए हम टोटल, कट लिए लेना है। फिर कटिंग करना है हमको जी वन जेड माइनस, हमको 52 जाना है ना क्योंकि 50 है, मगर 52 हम 125 ये फीड है हमारा टोटल रब में दे रहे, तो वापस हम वैसे ही वापस ये स्ट्रेट गए टोटली, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है ना टोटल, क्योंकि हमारा 35 फिनिश है, तो अभी ये 34 हो गए टोटल। फिर वापस मुझे क्या करना है उसको जी जीरो यू माइनस वन मतलब 1 mm से शिफ्ट करना है, और जेड 1.0 है ये टोटल, तो इधर से ऐसा शिफ्ट होके वापस इधर आ गया टोटल। फिर वापस क्या करना है हमको, एक्स 34.8 को ये करना है टोटल, 34.8 मतलब हम 0.2 फिनिश के लिए रख रहे हैं टोटल, 0.2 रख रहे हैं टोटल, तो ऊपर हम ये हो गए टोटली, इसके हिसाब से हम 34.8 को ये शिफ्ट हो गए रफ के लिए वापस। फिर वापस हमको जी वन जेड माइनस मुझे कितना जाना है, 52.0 जाना है टोटल, तो मैं फीड 0.125 एक बार देंगे, तो फीड बार बार देने की जरूरत नहीं है, ध्यान रखिए एक बार दिया है तो बार बार फीड देने की जरूरत नहीं है, एक बार देंगे तो हो गया, तो इधर आ गया। फिर वापस हम 34.8 का ऐसा कट लेके आ गए इधर तक, फिर वापस हमको बाहर जाना है, तो जी जीरो यू माइनस 1.0 दिए और जेड 1.0 ऐसा दिया है, तो कहाँ आ गया टोटल, वो बाहर आके इधर ये हो गया टोटल। तो उसके बाद अभी मुझे क्या करना है, एक फिनिश कट मारना है, फिनिश कट, तो मुझे फिनिश कट के लिए क्या करना पड़ेगा, तभी ये ऐसा बनेगा ना जॉब, तो फिनिश कट के लिए मुझे ऐसे एक शेप देना पड़ेगा टोटल। तो फिनिश कट के लिए देते वक्त अभी मैं यू माइनस 34 मतलब इधर आके रुक गया है मेरा टूल टोटली, 1 mm बाहर है और 34 पॉइंट मतलब 32.8 पे इधर है टोटली, तो अभी मुझे ये डायमीटर पे जाना है, ये डायमीटर 35 है और दीड़ दीड़ का चैम्पर है, दीड़ दीड़ 3 होता है, तो 38 हो गया, 38 ये डायमीटर रहेगा मेरा, जेड 0 रहेगा, फिर एक्स 35 रहेगा, जेड माइनस दीड़ रहेगा, फिर एक्स 35 जेड माइनस 52 ऐसा रहेगा टोटल। तो अभी मुझे क्या करना है, ये साइड में ये करना पड़ेगा मुझे टोटली, तो वापस मैं क्या करूंगा, जी जीरो वन जी 41 ये कोड दूंगा, क्योंकि हमको 0.8 का इंसर्ट है और दीड़ का चैम्पर है, तो कटर कंपोजिशन एडजस्ट करना चाहिए। एक्स मेरा कितना है, 39 लेंगे हम, 39.0 और जेड 0.5 लेंगे ये, और फीड इधर 0.1 देंगे, ध्यान रखिए मतलब 39 क्यों, बाहर 0.5 रख के हमने ये किया है, तो दीड और ये 0.5 दो हो गया, तो दो और दो चार हो गया, 35 और चार 39 ना, तो ये कैलकुलेशन आ गया टोटल, 0.5 से ही वो चैम्पर मारेगा टोटल, तो अभी मुझे ये करना है टोटली। तो क्या करूंगा, इधर आके मैं इधर रुक गया हूँ ऐसा टोटल, थोड़ा ऊपर के साइड में ऐसा रुक गया हूँ, 0.5 बाहर हूँ टोटल, तो उसके बाद अभी मुझे चैम्पर मार के ये डायमीटर तक आना है, इधर तक आना है 35 और जेड माइनस, तो G1 एक्स 35.0 जेड माइनस 1.5, ये इधर से डायरेक्टली इधर से ऐसा आ गया टोटल, इधर से इधर तक आ गया टोटली 1.5 mm का चैम्पर मार के। फिर G1 जेड माइनस 52.0 रहेगा, फीड 0.12 रहेगा,
ये वापस इधर से सीधा ऐसा ये फाइनल कट मार के आ गया। 35 करना है ना हमको, 34.8 को तो रफ हुआ था हमारा, ये रफ हो गया टोटल, तो फिनिश ये हमारा इधर से चल रहा है टोटली। फिर ये इधर आने के बाद वापस इधर तक आ गए हम टोटल। फिर अभी ये 42.1 जो यूज किया हमने वो कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, G0 G40 ये कोड है, और यू माइनस मुझे कितना 2 देना है टोटली। फिर यू माइनस 2 और G0 Z 10.0 M09 रहेगा, M05 रहेगा, G28 U0 W0 रहेगा, M30 रहेगा टोटली मेरा प्रोग्राम एंड एंड रिवाइंड रहेगा टोटली। तो दोस्तों क्या होगा, ये फिनिश कट होने के बाद U-2 ये रहेगा और Z10 मतलब बाहर आएगा, और फिर उधर से वो रेफरेंस पॉइंट को गए और इधर प्रोग्राम एंड एंड रिवाइंड हो गया टोटल। तो दोस्तों मैंने ये आईडी बोरिंग रफ और फिनिश मैनुअल G0 G1 से कैसे किया जाता है क्या नहीं, और कैसे कैलकुलेशन करना है, कैसे कट लेना है, मैंने आपको अच्छी तरह से बताया, आपको समझ में आया होगा। कुछ वीडियो के बारे में डाउट है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए।